युवा सिटी के कुछ छात्र ऐसे हैं जो कैब का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है कैब और आरआरसी को लेकर, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे छात्र और छात्राएं जो है इस पूरे कैब और एनआरसी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक जब से आया है इसके दो पक्ष सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तो ये एक पक्ष ऐसा है जो इसका समर्थन कर रहा है और एक पक्ष ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है। आप इसके सपोर्ट में हैं, क्यों? पहली बात आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति है अल्पसंख्यक है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं, दो लड़कियों को उठा के उन्होंने तुरंत जबरदस्त धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, शादी निकाह कर रहे हैं, सिखों को उठा लिया है, तो अगर उनको भारत की नागरिकता मिल रही है तो क्या समस्या है? इतने लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, कल जय श्री राम के में मिलने गए पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के कैंप में, बच्चों को जाके देखे, मोजे नहीं है, जूते नहीं है, सहायता करने से तो गए, अगर उनको नागरिकता मिले तो उनको पेट में दर्द क्यों है? और वो कह रहे हैं पूरे कागज लेके आए अपनी माँ से मिलने के लिए, हम पूरे कागज लेके आए हैं। लेकिन इस पूरी नागरिकता में हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बुद्ध है, मुस्लिम नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, तो फिर उनको क्यों चाहिए ये देश? और अगर ये चाहिए तो पाकिस्तान का बम फोड़ने के लिए लिया था। अच्छा, अगर लेकिन जिन्हें चाहिए तो क्या उनके लिए, अगर जिन्हें चाहिए तो क्या उनके लिए सामी को दिए? भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कह रहा हूँ, देश के बन के रहो, रोहिंग्या मुस्लिमों को हम क्यों रखने देंगे? पूरी तरह से भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना है, ये कहना है आपका। हमारा देश है, धर्मशाला नहीं है। आज तुम पत्थर एएमयू में फेंक रहे हो, कल को हमारे घरों में फेंकेगो क्या? आज तो तुमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर पत्थर फेंके हैं, उसके बाद तुम यहाँ पे जामिया इस्लामी में फेंक रहे हो, वो हमारे घर में पत्थर न फेंके, बस जला दिए, देखो दिल्ली में आग लगा रहे। अच्छा, फूंक दिया, इनको नागरिकता देना ही नहीं चाहिए, जो देश का अन्नान सामी को दी है और उसने स्वागत किया है, जो बिल पेश किया गया है उसका समर्थन कर रहे हैं कि नागरिकता मिल, जो मिल रहा है अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। नागरिकता संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप इसका समर्थन कर रही हैं, तो एक प्रश्न है जो हम सबसे पूछ रहे हैं सारे छात्रों से, जो समर्थन भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं, कैब की डिफिनेशन क्या है? सिटीजनशिप कमेंडेंट कल तक बिल था और आज एक्ट हो गया, कानून हो गया, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से पारित हो गया है, तो आज जो ये इसमें क्या है, बांग्लादेश पाकिस्तान बताए तो आपको, अफगानिस्तान जो लोग अल्पसंख्यक है, अगर वहाँ दुखी है तो आओ ना, भारत में स्वागत है, उनको नागरिकता दी जा रही है। और रोहिंग्या मुस्लिमों को आज जो भी ये एनआरसी लागू करने वाली है सरकार, तो जो दुष्ट लोग हैं उनको बाहर होना ही चाहिए। रोहिंग्या को देखिए, पहली बात तो जो विरोध कर रहे हैं ना, वो बिल का विरोध नहीं कर रहे, वो कानून का विरोध नहीं कर रहे। अगर बिल का विरोध करते, कानून का विरोध करते तो प्यार से करते, अच्छे से करते, बसे नहीं जलाते, ट्रेन नहीं जलाते, भारत सरकार की संपत्ति नहीं जलाते। बिल का विरोध नहीं है, अगर बिल का विरोध होता तो हिंदुत्व विरोधी नारे नहीं लगते जामिया इस्लामिया में, देश विरोधी नारे नहीं लगते। ये बिल का विरोध नहीं है, अगर यही बिल सोनिया गांधी की सरकार पास कर देती तो खुश हो जाते। ये बिल चूंकि मोदी सरकार ने पास किया है तो पिछले पेट में दर्द है। आज व्यवस्था ये है, अगर मोदी कहते प्रातःकाल उठ के नहाओ तो विपक्षी कहेंगे नहाएंगे नहीं जी, मोदी जी ने कहा है, तो इसलिए विरोध हो रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है। जो लोग, सबसे पहले आप बताइए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस आधार पर विरोध ना करें क्योंकि आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट का विरोध करते करते ये ऐसी मानसिकता से गिर गए हैं कि ये कब देश का विरोध करने लगे इनको खुद भी पता नहीं चला। कैब जिससे हर कोई खुश है, आप एक चीज़ देखिए, इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा आया था, इनको उसके बाद कुछ मुद्दा नहीं मिला, अब इन्होंने कैब का मुद्दा उछाल लिया। आपको विरोध करना है तो विरोध करने का तरीका है, आप बस जला रहे हैं, आप पथराव कर रहे हैं, आप भी साबित नहीं हुआ है कि स्टूडेंट नहीं जलाए, स्टूडेंट ही है, ये कौन है आपके लाइव में, ये सारे के सारे कम्युनिस्ट, देश में कुछ भी अच्छा हो उनको प्रॉब्लम होती है। कैब आया है किसके लिए आया है? कि एक व्यक्ति जो अफगानिस्तान में रह रहा है, जो पाकिस्तान में रह रहा है, जो वहाँ का शरणार्थी है, उनकी स्थिति क्या हो रही है? आप पाकिस्तान को पढ़िए, कितने प्रतिशत हिंदू थे जब देश बटा था, आज हिंदू कितने? आप देश का विरोध कर रहे हैं, संपत्ति को जला रहे हैं, और इसमें तथाकथित नेता भी हैं इनके पीछे लगे हुए, जैसे आम आदमी के थे आपके, जो ओखला के विधायक हैं उनके कहने पर ये लोग आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों की राजनीति खेल रहे हैं। हिंदू मुसलमान कभी आपस में लड़ते नहीं है। रही बात इस देश में अगर आपको रहना है तो उसी संसाधन से रही, जितना हक हिंदू का है उतना मुस्लिम का भी है, लेकिन ये कह देना कि मुस्लिमों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये इनका अंधापन है, ये जो सामान्य लोग हैं। अपना नाम और विभाग बताएं। मैं मृगांक, विभाग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मुझे कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि हम इस बिल का इसलिए इस मुद्दे पर समर्थन करते हैं। देखिए, इस बिल का समर्थन हम इस मुद्दे पे करते हैं, जैसा कि आपको पता है भारत एक सेकुलर देश है और बाकी जो तीन देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश, ये एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम राष्ट्र है, और हम सेकुलर हैं और हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे हिंदू वहाँ पे सताए गए हैं, जिनका उत्पीड़न हुआ है, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है तो मुस्लिमों को वहाँ पे नहीं सताया जा सकता, तो इसलिए हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते।
लेकिन जो आना चाहते हैं और जो जैसा कि 31 दिसंबर 2011 से पहले 2014 से पहले 2014 से पहले जो आ गए हैं उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। और जैसे कि अभी आप देख रही हैं कि वहाँ पे हमारी जो हिंदू बहन बेटियाँ आज भी सुरक्षित नहीं हैं, तो हम तो चाहते हैं कि सरकार को ऐसे भी कुछ नियम बनाने चाहिए कि जो अभी भी आना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा नियम बने, कोई ऐसा बिल पास हो। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला, मैं हिंदी विभाग का छात्र हूँ। जी बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, आपने पूछा कि आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ इसका समर्थन क्यों ना किया। जो बिल का आपने बेस देखा होगा, बिल का बेस क्या है कि जो माइनॉरिटी जो प्रोसिक्यूशन रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, अब रिलीजियस प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटी का है, मेजोरिटी का नहीं है, ठीक है। अगर आप दिल्ली हिंदुस्तान में कहेंगे कि यहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो कोई मानेगा? अगर आप देखेंगे पूरा पिछला इतिहास निकाल कर देखेंगे, ये आज़ादी के समय से इसकी बड़े बड़े जो उस टाइम के नेता थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, सब ने कहा है जो पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई रह गए हैं, जो इधर आना चाहते हैं, भारत देश का यह कर्तव्य बनता है कि उनको यहाँ पे लाया जाए, उनको नागरिकता दी जाए, यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए। जो 70 सालों से मुद्दा चला आ रहा था, अगर वो मुद्दे को वर्तमान की मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जामिया यूनिवर्सिटी के जब छात्र छात्रा प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ पुलिस की जो बर्बरता के वीडियोज आए जो हम तक मीडिया पर्सन तक भी पहुंचे, उनके लिए क्या कहेंगे जो उनके लिए हिंसा की गई? प्रदर्शन करना हर किसी का हक है, उसको कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक प्रदर्शन आपका विरोध जताने का वो देता है, राइट देता है, तो वो आपको किसी की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार भी नहीं देता है। आप कितने वीडियो में देख चुका हूँ, उसमें बसों में भरी की भरी बसों में आग लगा दी है, निकलने भी नहीं दिया है, ठीक है, इतनी संपत्ति आग लगा दी, पूरा जामिया कॉलेज को बर्बाद कर दिया। अगर अगर प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके है तो उसको रोकने का तो अधिकार नहीं है ना, संवैधानिक। लेकिन वहाँ 2-3 दिन चला है, किसी ने रोका नहीं, रोका पुलिस वालों ने कब रोका, जब वो हिंसक हो गया है? तो अगर आप पुलिस नहीं रोकोगे फिर आप कहेंगे कि पुलिस कर क्या रही थी, फिर भी हम आप पुलिस को ब्लेम करेंगे? अगर पुलिस ने रोका है तो पुलिस का काम है, वो उसकी ड्यूटी, अगर नहीं करेगी तो वो उसका फिर ड्यूटी का ऑब्लिगेशन नहीं कर पाएगी वो। अपना नाम और अपना विभाग? कमल किशोर उपाध्याय, मैं लॉ डिपार्टमेंट से। पीछे मैं दिखाना चाहूंगी, हूटिंग्स हो रही है इधर से भी उधर से भी, समर्थक की हूटिंग्स अलग हो रही है, जो विरोध कर रहे हैं उनकी हूटिंग्स अलग हो रही है, एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है कि आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। कुछ इसके आपके जो जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि ऐसा इसमें क्या है जो इसका विरोध किया जाए, क्योंकि इसकी जो बेस है वो माइनॉरिटीज रखा गया है, तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में बहुसंख्यक है मुस्लिम तो उन्हें हमारे देश की क्या जरूरत है, उन्हें हमारे देश के नागरिकता की क्या जरूरत है? नमस्कार।